तो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं आज आप सभी के लिए ले आया हूं ईगल कॉन्सेप्ट। तो गाइस, आप सभी को पता होगा गाइस, इसमें जो मतलब कि मैं जो वीडियोस में मैंने अभी एक वो निकाला है कि गाइस आप मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखो, आपको वीडियो में कोड मिलेगा। एंड गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर कोड भेजो, मैं आप सभी के यूट्यूब या इंस्टाग्राम दोनों में से किसी एक अकाउंट को प्रमोट करूंगा, वो भी अपने स्टोरी में। तो गाइस, अगर आप सभी भी चाहते हैं कि मैं आपका अकाउंट अपनी स्टोरी में प्रमोट करूँ, तो गाइस आप सभी को वीडियो कंप्लीट देखनी है। और वीडियो के बीच में आपको या लास्ट में, स्टार्टिंग में, बीच में आपको कहीं भी चार नंबर मिलेंगे गाइस, ठीक है, नंबर मिलेंगे गाइस। हैशटैग नहीं यार, काफ़ी लोगों ने मुझे मेरा हैशटैग ही सेंड कर दिया था, तो मैंने उन लोग को बोला कि नंबर जो नंबर होंगे चार डिजिट, वो आपको मेरे को सेंड करना है, ठीक है। तो गाइस, आप सभी को भी यही करना है, चार डिजिट दूंगा मैं, किसी भी मतलब कहीं भी आ सकता है वो आपको, ठीक है। इसलिए गाइस, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। एंड गाइस, आप सभी को मेरे को कोड भेजना है, एंड मैं आप सभी का अकाउंट फ्री में प्रमोट करूंगा। एंड गाइस, मैं आप सभी को बता दूं, मैं ये हर वीडियोस में करता हूं। तो गाइस, आप सभी को हर वीडियोस को देखना है और मेरे को हर वीडियो का कोड भेजना है। एंड गाइस, जिसका अकाउंट पहले मैं प्रमोट कर चुका हूं, उसका भी मैं दोबारा प्रमोट कर दूंगा। तो गाइस, आप बस वीडियो को देखे करो एंड मेरे को कोड भेज दिया करो, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम पे मैं हर किसी का रिप्लाई देता हूँ, जिसका ही मैसेज आता है मैं सबका मैसेज देखता हूँ। तो गाइस, ये मत सोचना कि मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते गाइस, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है, दबा दो। एंड चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सिंपली आप सभी को पहले इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करके आप सभी को ओपन करना, ठीक है। इस बैकग्राउंड का वीडियो को देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को लेकर आ जाना, ठीक है। सो गाइस, ये मैंने मतलब आप सभी के लिए मैंने बस ये सिंपली ऐसी वीडियो बना दी, ठीक है। अभी मैंने इसे प्रॉपर एडिट नहीं करी अपने लिए, मैंने आप सभी के लिए एडिट करी ताकि गाइस आप सभी को पता लगे कि यार कैसे एडिट करना है, तो मैंने आप सभी के लिए बना दिया, ठीक है। तो मैं इसको पहले थोड़ा क्रॉप कर लेता हूं एंड इसको मैं सिंपली इस तरीके से यहां पे ले आता हूं, ठीक है। सो मैंने इसको यहां पे लगा लिया। एंड गाइस, इसके बाद आप सभी को करना क्या है, ठीक है। तो पहले इसको मैं यहाँ से सेट करके यहाँ पर डन कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस, इसके बाद आप सभी को करना क्या है, ऐड फोटो में जाना है, ठीक है। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को इस ये रुमाल का पीएनजी लेना, ठीक है। एंड इसको आप सभी को सिंपली अपने फेस के ऊपर ऐसे सेट करना, ठीक है। तो मैंने आप सभी के लिए पीएनजी भी बना दिया इसका गाइस, ठीक है। तो गाइस, आप इसको भी यूज़ कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सिंपली जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो पहले पहले इसको ढंग से सेट कर लेना है, ठीक है। एंड देखना है गाइस, कहीं छोटा बड़ा ना हो जाए। पहले मैं इसको इरेजर टूल पर जाएंगे, साइड से थोड़ा सा इरेज करेंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो इसको आपको सिंपली इस तरीके से इरेज कर लेना है, ठीक है। एंड ये हमारा सेट हो चुका है, तब कर लेना डन, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को करना है क्या, इसमें जाना है ब्यूटी वाले ऑप्शन में, फिर आई कलर में जाना है, ठीक है। एंड आप सभी को ये येलो वाला लेना है, ठीक है, ये वाला आई लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को इसको सिंपली इस तरीके से सेट कर लेना है, ठीक है। सेट कर लेने के बाद गाइस, दोनों को मतलब पहले दोनों को सेट कर लेना, ठीक है। मतलब दोनों सेट नहीं होते हैं गाइस, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आपको सेट कर लेना है इसे, ठीक है। तो ये भाग रहे हैं इधर उधर, कोई नहीं, हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। एंड जाएंगे रेजर टूल में, गाइस इसको आपको थोड़ा थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इरेज कर लेना है, ठीक है, ऐसे। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को यहाँ से कर लेना डन, ठीक है गाइस। तो गाइस, हमारे ईगल वाले आईज हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से डन करते हैं, ठीक है, डन कर लेना है। एंड गाइस, उसके बाद जाना आप सभी को दोबारा ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को ये पर निकल रहे हैं सारे इनके, तो ये वाला पीएनजी लेना, ठीक है। आपको सिंपली इस तरीके फुल स्क्रीन कर देना गाइस, ठीक है, एंड कर लेना डन, ठीक है। सो आप सभी को अब एक काम और करना है, दोबारा ऐड फोटो में जाना है, ठीक है। एक पार्टिकल का पीएनजी लेना, ठीक है। एंड ये पार्टिकल का पीएनजी गाइस, इसके ऊपर लगाएंगे तो गाइस इसी से हमारा रियलिस्टिक लुक आएगा गाइस, ठीक है। तो ये पीएनजी लगाना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, ये पीएनजी मैं ढूंढ रहा हूँ, यहीं कहीं होगा, ठीक है। सो गाइस, ये रहा पीएनजी, ठीक है गाइस। सो मैंने पीएनजी को ले लिया। एंड गाइस, इसके बाद आप सभी को उसको फुल स्क्रीन कर देना, ठीक है। एंड इसका ब्लेंडिंग मोड आप सबको स्क्रीन रखना, ठीक है। एंड ये देखिए गाइस, ये देखिए हमारे फोटो में पूरा रियलिस्टिक लुक आ गया इसके इस पीएनजी की वजह से, ठीक है। तो देख रहे हो गाइस, ठीक है। तो अब इसमें हम कलर करेक्शन करेंगे, जो कि करते हैं हम लाइट रूम ऐप के अंदर। तो पहले हम इसको ड्रॉ टूल में जाकर सेव कर लेते हैं, ठीक है। एंड चलते हैं बैक, ठीक है। एंड गाइस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, तो वीडियो को लाइक कर दो यार, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता था, जल्दी से लाइक जरूर कर देना, ठीक है। एंड नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब वाला, तो वो भी सब्सक्राइब भी कर दो। एंड इसके बाद गाइस, ऐड फोटो में जाना है, लाइट रूम ऐप को ओपन करके एंड अपनी फोटो को ऐड कर लेना, ठीक है। एंड जाना ऑल फोटोज़ में, ठीक है। एंड फोटो हमारी ऐड हो चुकी है, तो गाइस हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। एंड आप सभी को इस ऑटो वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है, ये लाइट वाला ऑटो ऑप्शन में जाना है, ठीक है। तो हम पहले एक बार लाइट में जाके एक्सपोजर बढ़ा के देखते हैं गाइस, पहले नहीं गाइस हम इसे कम ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अभी इस वाले ऑप्शन थर्मामीटर वाले आइकन में, ऑरेंज कलर को लेते हैं, सैचुरेशन को माइनस करते हैं, ल्यूमिनस को बढ़ा देते हैं, ठीक है गाइस। एंड इस येलो वाले में जाना है, ठीक है, ह्यू को माइनस करना है, ठीक है, ये माइनस नहीं गाइस प्लस करना है, एंड सैचुरेशन को माइनस करना है, ठीक है। एंड यहाँ से डन करना है। एंड जाना नीचे वाले टूल में, फोटो क्लियरिटी को बढ़ाना है आप सभी को गाइस, ठीक है, डस्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एंड गाइस, विग्नेट डालते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा विग्नेट डाल देते हैं। एंड गाइस, ग्रेन अमाउंट को
बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड चलते नीचे वाले टूल में फोटो की शार्पनेस बढ़ाएंगे, नॉइज डिडक्शन को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड कलर नॉइज डिडक्शन को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए हमारी फोटो यहाँ तक एडिट हो चुकी है। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे कोड भेजना मत भूलना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।